मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर दरारें पड़ रही है, इससे कितना फायदा? दरारें नहीं पड़ रही है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अखिलेश बखलेश रैली नहीं होने देंगे इंडी गठबंधन की। अब वो बनने के पहले ही बिखर गया। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पे कई जीव जंतु बैठ जाते हैं लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं। यहां तो भाजपा के समर्थन की बाढ़ में भी एक पेड़ पर चढ़ जरूर गई है इंडी गठबंधन, लेकिन वहां भी एक दूसरे को काट रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, बड़ा शोर सुना था इंडी गठबंधन, आज कहीं दिखाई दे रहा है। अब तो जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जिनने कभी देश का अहित किया था, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए थे, वो सारे बिखर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। दिग्विजय सिंह का कहना है ईवीएम में बीपीएड में छेड़खानी की संभावना है, दिग्विजय सिंह वो तो हार के कारण अभी से ढूंढने लगे। राजा बहुत समझदार है मामा जी, 15 में अपार अपार दिग्विजय जी विकास हुआ है, दिग्विजय जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि हारने वाले हैं तो अभी से वो मशीन पे दोष मार के और छुट्टी पा। मामा जी, 15 में टिकटें बदलनी पड़ रही कांग्रेस को, क्या पूरा कर पाएंगी जनता का वादा? वो टिकट नहीं बांट पाए सही तरीके से, पहले कपड़ा फाड़ कांग्रेस, अब टिकट बदल कांग्रेस। कुछ पवई में असंतोष है आपके ही कार्यकर्ता? हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में चर्चा करते हैं और समाधान निकालते हैं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।